एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइज, आज फिर से मैं आपसे मिल रही हूँ तैयार होके। मतलब मैंने आज गाइज ये पहना अपना व्हाइट वाला सूट जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। एंड गाइज, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पुनीत और नोना और कोमल और ये भी हमारे साथ जा रहा है। अंशु कहाँ है? दिख नहीं रहा यार। गाइज कोमल कहाँ है? अंशु अच्छा। और गाइज मम्मी भी जा रही है। मैंने कल और गाइस मेरे कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के कल परसों आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए थे कि दी आजकल आपके व्लॉग में दीपांशु दिखते हैं, बट दीपांशु है कौन? तो गाइस हम दीपांशु से मिलवाते हैं आपको। अरे हाँ मम्मी, कल मेरे व्लॉग पे कमेंट्स आए थे। दीपांशु हाय कर। ओए इधर देखिए, हाय। तो गाइज दीपांशु हमारा एक फ्रेंड है, मींस फैमिली फ्रेंड या बोल सकते हो आप लोग। बट गाइज हम आज तक दीपांशु की फैमिली से हम आज तक नहीं मिले थे। तो गाइज इसीलिए दीपांशु आज हमें अपने घर लेकर जा रहा है। वो बेचारा बहुत टाइम से हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे घर चलो, मम्मी दीदी से मिलना, पापा से मिलना, सबसे मिलना। तो बहुत टाइम से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि घर आना। तो आज फाइनली गाइज हमने प्लान करा और हम दीपांशु के घर जा रहे हैं। मम्मी आप थोड़ा चुप हो ना, मैं व्लॉग में बोल रही हूँ कुछ। अच्छा गाइस मम्मी प्रेरणा से बात करें। जीजू की थोड़ी तबीयत खराब है, इसी वजह से प्रेरणा और जीजू नहीं जा पा रहे हैं। जीजू की तबीयत खराब कहाँ है तो बता दे। जीजू के गाइस मतलब बैक साइड पे ना जीजू के फोड़े हो गए हैं कुछ, और कुछ दाने टाइप, तो जिस वजह से वो इतने मोटे मोटे हो गए और वो बैठ नहीं पा रहे, तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे ना वो। इसलिए वो बोल रहे थे कि मैं अभी नहीं चल सकता, इसलिए वो नहीं आए। एंड फिर हमने पुनीत की मम्मी को बोला चलने के लिए, बट आंटी की भी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो भी नहीं आई। एंड फिर हमने बोला मौसी को, पर मौसी कहीं गई हुई थी, नवीन भैया भी बिजी। इसीलिए हम लोग जा रहे थे दीपांशु के घर। अब गाइस हम चले गए तो एक एक करके सबका नंबर हम लगाते रहेंगे दीपांशु के घर को। और आप लोग पूछ रहे थे तो गाइस दीपांशु हमारा नॉर्मल फ्रेंड है, बस जैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो अभी दीपांशु हमारा न्यू फ्रेंड चल रहा है। गाइज हम प्रेरणा को लाए नहीं, वो रो रही है बेचारी। और गाइज हम ना गाड़ी में बोर होते हैं, इसलिए मैंने गाइज ये लिया था अंकल चिप्स और कोमल कोल्ड ड्रिंक का है, कोल्ड ड्रिंक है। और गाइस मैंने अपने लिए सिल्क भी ली थी क्योंकि मुझे बहुत मन था खाने का चॉकलेट, तो मैंने खाया। और बाकी मैं सुंदर बहुत लग रही हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स चेक कर लेना या फिर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो। गेट रेडी विद मी, शट अप, गेट रेडी विद मी, जिसमें ना मैंने पूरा शूट किया अच्छे से। गेट रेडी विद मी अपना पूरा आपको ट्यूटोरियल दिया है, तो वहाँ पे जाके वो भी चेक कर लेना। एंड अभी हम पहुंच जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस दीपांशु के घर वालों से मिलवाएंगे आपको। दीपांशु हमारी क्या खातिर पानी करेगा, हमारी सेवा करेगा, जो जो वो सब भी आपको दिखाएंगे हम ब्लॉग में। तो आप लोग एंड तक पूरा ब्लॉग देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग शूट होने वाला। पहुंच चुके हैं दीपांशु के घर। दीपांशु कितना दूर है यहाँ से? पीछे तो है सही। अच्छा वहाँ पीछे ही है। हम चले गए थे गाइस, ये बदतमीज लड़का कहाँ पे? ये वहाँ पे, ये जो घर दिख रहे हैं उनके वहीं पे। तू गया हुआ है क्या पहले दीपांशु? कब से आया था? परसों। कब? परसों आए थे रात को। गाइज तो हम पहुंचने वाले हैं ना दीपांशु में, पूरा ही ले गया था हमें ना गाइज यहाँ इस साइड भी। मम्मी हम लोग पहली बार ही आए हैं बिकॉज बहुत दूर है यार इसका घर। तो हम गाइज पहुंच तो गए हैं। अभी मम्मी यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक करवा रही हैं क्योंकि गाइज दीपांशु ने हमें बताया ही नहीं। हम सोच रहे थे कि रस्ते में कोई मॉल वगैरह पड़ेगा, स्वीट शॉप पड़ेगी, पर कुछ भी नहीं पड़ा गाइज रस्ते में। बहुत सुनसान एरिया में रहता है गाइज ये लड़का। अभी अंगूरी फिर से पैक करा रही हो क्या? शेर जंगल में कौन कह रहा है? हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? शेर जंगल में दीपांशु कह रहा है अच्छे से व्लॉग ले लियो यहाँ का, ताकि कोई और आए तो दिक्कत ना हो। दीपांशु के यार दोस्त फैन फोन हो तो दीपांशु से आराम से मिलने आ जाए। तो गाइस हम पहुंचने वाले दीपांशु के घर, आप देख रहे। अरे ये थोड़ा, हाँ मुझे दिखाओ, हाँ 5x पे करो ना, पूरा दिखना चाहिए ध्यान से। लाओ बाकी मैं इधर से ले लूं। जैसे अपने उधर वो सिविल लाइन वाला एरिया हो गया, वैसे ही एरिया ये भी है ना। अच्छा पार्क में झूले भी हैं, हम तो यहाँ शाम को गए झूले झूलने भी आ जाएंगे। गए मैं तो गाड़ी में सोई गई थी, मैं सो गई थी और नूना भी सो ही रही है। एंड ना प्यारा सा पार्क भी है, मैं यहाँ पे जाके अपनी रील्स बना लूंगी, झूले झूलूंगी, और मेरी नोना तो गाइस खुश हो जाएगी यहाँ पे झूले झूल झूल के। वीडियो नहीं व्लॉग। आप व्लॉग क्यों? दीदी के साथ देखो दीदी। पेन ना मैं मार के तो डर रही हूं। अबे क्या है? प्रेरणा मामी को जानते हो? मामी लगेगी इसकी। जानते हो प्रेरणा मामी को? मम्मा फोन में है मम्मा के? नहीं। कहाँ है प्रेरणा मामी? आप। मैं हूँ प्रेरणा? नहीं मैं तो कशिश दीदी हूँ। तो
प्रेरणा मामी कहाँ है? वो नीचे खड़ी है प्रेरणा मामी, आप लेके आओ जाके। वो कह रहा है उसे कुछ समझ नहीं होगी, वो भाभी कहता है ना। अच्छा चाची लगी फिर, नीचे खड़ी है, आप लेके आओ जाओ। कह रही है वीनू के साथ ही आएंगी वरना नहीं आएंगी। आप देखते हो उसके ब्लॉग, देखते हो? ये देखता है साथ बहुत ज्यादा। इसको जानते हैं कौन है? कौन है वो? तो पहले बोल रहा है मम्मी आ जाओ, नोना आई है। गाड़ी लाए थे उसकी। हाँ गाड़ी लाए थे इसकी। अब यार आप भी तो लाए थे गाड़ी? नहीं अभी तो लाए थे आप, मैंने देखी थी आपकी फोटो है। आप नहीं लाए थे गाड़ी? गाइज तो ये आंटी हैं दीपांशु में। आंटी हाय कर दो ऐसे एक बार। आप लोगों के लिए बहुत पूछ रहे थे मेरे आंटी, जितने भी लोग मुझे देखते सब पूछ रहे थे दीपांशु अकेला अकेला दिखता है, दीपांशु के परिवार वाले क्यों नहीं दिखते? और गाइज ये दीपांशु की दीदी है, बड़ी वाली और छोटी दीदी, और ये इनका बेटा, एक ही बेटा आपका। कर दो यार। अरे इसका पर्सनल चैनल है, अपने पे बना रहा है। अच्छा गाइस वो खुद भी व्लॉग बनाता है। अच्छा नाम तो बता दो अपना। वीनू ही नाम है? नहीं वीनू यादव बोलो। विनायक वीनू यादव। अच्छा कौन? नहीं कौन? पढ़ाई में कुछ नहीं रखा? फोन चलाओ। अबे तुम क्या ध्यान दे रही हो यार। अरे व्लॉग बना के दिखाओ, आप कैसे बनाते हैं व्लॉग? अबे दिखाऊंगा इसमें। कौन सा व्लॉग गाइस? प्रेरणा व्लॉग कह रहे, प्रेरणा व्लॉग। नोनस होगी गाइस कह रहा है प्रेरणा व्लॉग। मेरी बात को सीरियस ले लिया था, हम सच में हमारी सेवा कर रहे हैं दीपांशु। मैं तो उससे मजाक कर रही थी यार। हेलो। अरे सुन तो लो यार, आप सुनते नहीं हो बात। अब मैं आपको व्लॉग की ट्रिक्स देती हूँ, इधर आओ। मम्मी और आंटी तो लग गए बातों में, बस कहीं पे भी आंटी आंटी मिलनी चाहिए, बात तो फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी और आंटी लग गए ये यहाँ। कर दे यार, सबने करा ऐसे। ऐसे कर दो ऐसे। दीपांशु तो मामा लगता है ना इसका। ओए क्या नाम है इसका? वीनू। वीनू आपके मामा तो बहुत गंदे हैं। मारूं आपके मामा को? मारूं आपके मामा को? आए थे यार ना नूना को, ना रस्ते में ही नींद आ गई थी तो हमने ना नूना को आते ही सुला दिया था। ये सोई, दीदी देख लो सोई कैसे। वो इसको ना पूरी रात नहीं जाते, घर में भी ऐसे ही सोई रहती है ये। इसको पता नहीं नई आदत। अच्छा उल्टी सोती है? नहीं पहले उल्टी सोती थी, सही सोती थी, अब पता नहीं क्यों ऐसे उठ के सोती है और पूरी रात हो जाएगी, पूरी रात ऐसे ही लेटी रहती है। नहीं तेरा रूम है ये? लग तो नहीं रहा है, फोटो तो किसी और, किसी और की लग रही है। अच्छा बोलता है, बुलवा असली नकली है ये तो। बेटा बोल, किस पागल है? अरे किसको पागल बोला? बोल नहीं रहा वो तो। हम ना पागल हो रहा है। अरे खड़ा हो जा। मां दीपांशु इधर मारो तेरे मामा को, ये ले। मैं मार दिए। राइफल निकाल बंदूक निकाल, तेरे मामा के बाल खींच दूंगी ना ऐसे। मारोगे मेरे को अभी राइफल? अब बेटा मामा को बहुत मारूंगी मैं, पुलिस से पकड़वा दो तेरे मामा को। चल चल तुझे बताऊं, चल बाहर तुझे पुलिस के पास लेके चलूं। अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, चल तुझे पुलिस के पास लेके चलूं। चल चल तुझे पुलिस के पास लेके चलूं। बोलती यार लग रहा दीपांशु मेरी बात दिल पे ले ली। दीपांशु तूने है भाई, जितना जितना प्यारा दीपांशु उतनी प्यारी इसकी फैमिली भी है ना। हम तो कह रहे मैंने कि एक कहीं जाना पड़ेगा भाई, पहले मिल मिल लो कभी, मैंने कि सीधा व्लॉग बनाने जाए। हम कह रहे दीपांशु जी तो तेरी शादी होगी ना उसमें आएंगे, तो कह रहा हाँ तुम आने के चक्कर में पहले मेरी शादी करा दो। मतलब तेरे ब्याह के ना हल्दी मेहंदी सारे व्लॉग बनाएंगे। पर दीपांशु से पहले तो पहले बुढ़िया बैठी है, ले लेंगे बेटा। करते हैं हम
दिमाग तेज हो गया। गाइस कह रहे व्लॉग बनाते हैं दिन में भी रात में भी। अपने नाना को बता रहा है, पता है ये कहाँ से आए हैं? प्रेरणा दीदी के घर से। और इसका नाम पता दीदी का? पता है? नहीं। प्रेरणा दीदी का नाम पता है? मैं चली जाऊँ फिर वापस? नहीं, लेके आऊँ प्रेरणा को जाके? अच्छा लड़कियाँ नहीं जाती, दीपांशु लेके आएगा। गाइस देखो बड़ा समझदार बच्चा ये, तो अभी कह रहे थे बादाम खाने से दिमाग तेज होते हैं। फिर बोलो मामा को लेके आए जाके प्रेरणा को। प्रेरणा को देखते हो? पम्मी को भी देखते हो? पम्मी को देखते हो? थोड़ा पढ़ाई में भी जी लगा ना, ज्यादा लोग की बात मत करो। अच्छा सुनो मामा को भेज तो दो फिर लेने के लिए, बोलो प्रेरणा को लेके आए जाके। चलो एक सैम कैसे मटका के कह बहुत देर से बैठे हुए थे अंदर और फिर ना सब बात कर रहे थे दीपांशु के पापा मम्मी और दीदी। गई जी हमारे कुछ खाने को ऑर्डर कर रहे हैं, कर लेना फिर उसमें क्या बात। मेरा पिज्जा चलते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ बाहर बैठे क्योंकि सब अंदर बड़े बड़े बात कर रहे थे, हमने कहा हम उधर बाहर बैठ जाते हैं। तो गाइस बच्चा गाइस पुनीत कपड़े ठीक करो। गाइस इसको देखना ये क्यों करता है ऐसे, हमें मार नहीं रहा। देख वीडियो ले, ओए देख मैं ब्लॉग में दे रही तेरे को ऐसे। अरे बाल ठीक करा पहले। तेरे से क्या हो गया इसको? इसे वो चाहिए फॉर्च्यूनर। तो ये क्या इसे आती चलानी? क्या चाहिए? अच्छा क्या चाहिए बता दो। फॉर्च्यूनर चाहिए? आओ नहीं दिला के लाए हैं। फॉर्च्यूनर चाहिए क्या? बताना क्या चाहिए तुझे। फॉर्च्यूनर चाहिए भैया। चलो चलो आओ चलो। गाइस ये तब से ना चाबियों के लिए रो रहा है कि मुझे कभी इस वाली गाड़ी की चाबी दे दो, उस वाली गाड़ी की चाबी दे दो। बाकी अभी हम कुछ जा रहे हैं खाने। गाइस सामने पार्क भी है, सोच रहे वहां भी हुए कहीं पे कुछ खाने। अबे यार क्या कह रहा है? व्लॉग ही बनाती रहेगी हम? हाँ व्लॉग ही बनाती रहूंगी। इधर कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दो? कनेक्ट करूँ लो ना करूँ? अपना नाम बता दो चलो सबको। इधर देख के बता दो अपना नाम। इसका नाम है सलमान खान। सलमान खान मैं भी नहीं। अबे यार सलमान खान नहीं है यार उसका नाम। इसका क्या नाम था मैं भूल गया। वीनू नाम है गाइस इसका। वीनू मैंने करा यहां पिज्जा ऑर्डर। आ गए ऑर्डर। इसे देखो इसने गाइस इसको ना सीट नहीं मिली थी तो कह रहा है ये वाली सीट ठीक है आपके लिए। ठीक है गाइस इसके लिए ये वाली सीट। ओ बहुत बढ़िया है। अबे यार ये सीट तो बहुत अच्छा। आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। गाइस गाड़ियों से बहुत प्यार है इसे। गाड़ी की चाबी दे दो ना। नहीं अच्छा आपको चलानी आती है? चलानी आती है या बस ऐसे ही पसंद है? लक लक गाइस यार ये बड़ा शैतान बच्चा है। क्या हो गया? अरे दीपांशु बेटा बच्चे को क्या हो गया भाई? अरे अरे भाई कुछ हो रहा है। फिर से बस बाबू बस वेट के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है। इसे गाइस अपने मामा के साथ हर जगह जाना है। मामा गाइस ऑर्डर ना मेरे पास मैसेज डिलीवर हो गया तो फटाफट दोनों के दोनों चले गए क्योंकि ना दोनों ही बहुत भूखे हैं ये। तो इन्होंने कहा यार कुछ ऐसा और हम इतनी देर से बैठ के वेट कर रहे थे। पिज्जा है पिज्जा है पिज्जा है। ओए मुझे अच्छी लगती है शेयरिंग कर लेना बाकी खोल खोल। हाँ ये वाला ये खा लो फिर बेटा। ये दिया है ना मैंने इसको वेज ये ले। नहीं नहीं ये वाला खाते हैं ये बहुत तीखा है बच्चे नहीं खाते। करवा रहा है हमारे लिए मोमोस पैक सब कैप्चर और वहाँ खड़े हुए वेटिंग पे ये अपना लगा पड़ा है फ़ोन पर। यहाँ से आंटी के लिए करवाया हमने डोसा पैक डोसा और
मोमोज वगैरह बाकी पिज्ज़ा वगैरह तो खा ही लिया, हमारा पेट हो गया फुल। कुछ बोलना चाहेगा अपनी बंदी के लिए? दो चार लाइनें। आई लव यू। आई लव यू टू उसकी तरफ से। आई लव यू नोना। अच्छा बुक्का बुक्का बोलना बुक्का। नोना वो तो समझ रहा किसको कह रहा नोना। बेट अपनी नोना। हाँ अपनी नोना। अपनी अपनी सही है भाई, सही है सही है। घर बताऊंगा मम्मी को। गाइस यहाँ भीड़ देख रहे हो कैसे हो रही है, स्टूडेंट है सारे बच्चे पढ़ने वाने वाले। जल्दी करवा लो भैया, अपने क्षेत्र में भी ऐसे करवाओगे? वो तब से ऐसे भाई खिड़की खोल दे, भाई जरा मेरा जूस पी ले। वो गर्ल है वीनू, वो खाएगी है, खाएगी। हाँ दे दो इसको हाथ में से, अंदर से वो निकाल के दे दो इसके अंदर से, अंदर वाला वो दे दो। स्टफिंग होती है ना अंदर सब्जियां, वो खिला दो इसको। खा लिया यार। अरे वो अपने हाथ से खिला रहा है, नहीं देगा वो। पूछ ना बेटा, कैसे लगा? अरे यार रेड चटनी नहीं लगाते आप? रेड चटनी नहीं 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 कोमल मेयोनीज वाला नहीं 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 बेबी, इसको सूखा सूखा। हाँ सूखा खाती है ये। हाँ ये वाला खिला दो। अब से तेरी पक्की दोस्त हो गई। जो इसको चीज खिलाता है ना ये उसकी दोस्त बन जाती है। आपकी दोस्त बन गई अभी ये। अरे बेटा तमीज से खा ले बेटा। ऐसे ही खाऊंगा बे। अरे बहुत स्वाद आ रहा है यार। है गरम है ना, धीरे से खा धीरे से। अच्छा मेरे लिए आप खा लो। अरे आप खाओ ना। अपना सिखला कह रहा, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलूंगा, चुप चुप खा ले। एक तो बच्चा अपने में से दिया। बेटा तुम्हारा नाम देखो फंडल में। व्यू क्या खा रही विनू? ये देखना क्या कर रही है ये। खाने दो ना बच्चिया, इसको मत दो खाने के लिए। खाने दो होना। ओए नहीं आजा खा ले। क्या नोना तू खा, मैं देख लूंगा जो रोकेगा। क्या नोना तू खा। ओए फिर अबे खाने छोड़ो। फिर ले रही है। अबे खा, अबे छोटे बच्चे को खाने तो दो। अरे कोमल पकड़ 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 कोमल। बेबी ऐसे पकड़ते बाबू देख, ऐसे ऐसे चलाते हैं। हां ऐसे चलाते हैं इसको। पकड़ पकड़ कोमल काट दे तू। पकड़ाओ पकड़ो अब इसको, ऐसे पकड़ो ऐसे। हां गोद में मत दे। हां कोमल आ गया। नहीं दे बाबू, कभी इसके पैर ऊपर हो गए सर नीचे हो गया। आओ आप आ जाओ, आप छोटे हो ना अभी। गिरेगी कर कर किसी कर क्या ऊपर। नोना कहाँ जा रही है? अरे नोना कहाँ जा रही है? नोना पार कर दो भाई को, पार कर दो ऊपर ऊपर। देखो वो गाड़ी भी आती है तो ऐसे दे 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 करा लेता। पता ही नहीं था आप यहाँ पे हो। हमने पूछा था आपके मामा से, आपके मामा ने कहा कोई भी बच्चा नहीं है घर पे। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तकली गंजिया है, गंजिया कैसे पूछ। मैं वहाँ हूँ, कहाँ हूँ? वाँ, 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 अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मैं चलती हूँ बस। अरे इसको ले जाना पड़ेगा। अरे नोना चले, कमल कमल साथ चल। इधर इधर इधर
कोमल आगे चली। अबे नोना री कह रहा नोना गाड़ी दूंगा गाड़ी। दीदी ला रही है यहीं पे विनु कोमल ले 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 हाँ वहाँ चलो ला मेरे को दे। चले गए हमने ना नोना को बोला कि नोना हम तेरे को छोड़ के जा रहे हैं नोना को छोड़ के जाओ। नहीं नहीं लेके जाएंगे पुनीत गोदी लेंगे गोदी लेंगे बस। हाँ हाँ कोमल आगे कोमल आ गई पुनीत ले लो ना गोदी। नहीं आ रही मेरे को मम्मी आंटी हमने इससे पूछा हमने कहा घर में हमने कहा हम पता नहीं था नहीं घर पे दीदी चीज खा लेना ना मैंने इससे पूछा घर पे कौन कौन है इसने बताया ही नहीं मुझे कुछ भी। हाँ हमने इससे पूछा कौन है तो क्या इसने बस आपका और इनका आंटी का बताया कह रहा ना बहन है मेरी और ना मैंने कहा बच्चा है घर में कोई कह रहा नहीं कोई बच्चा भी नहीं है घर में। नहीं तो अभी हमने बताना था ना तो मुझे मालूम भी नहीं था घर पे कौन कौन। नोना चले घर पे बाय कर दो नोना सबको बाय करो बोलो आप सब भी मेरे घर पे आना बोलो बोल दो ऐसे। अरे यार दिए इतने सारे पैसे नहीं रखती दीदी मम्मी अरे नहीं मेरे को मत दो अरे नहीं अरे नहीं आंटी मैं तो इतनी फटी हूँ मैं क्या करूंगी नहीं नहीं अरे दीपांशु मना कर रहे हैं दीदी बहुत सारे हैं बहुत सारे नहीं दीदी थोड़े बहुत में हो गया बहुत सारे हैं वीनू बाहर नहीं मैं नहीं पकड़ा हाँ मम्मी हाँ चल पुनीत पकड़ेगा वीनू चले मेरे घर गाड़ी खरीद लेना वीनू गाड़ी खरीद लेना ठीक है। ओए नहीं वीनू गाड़ी खरीद ले वीनू वीनू गाड़ी खरीद लेना ठीक है चलो चीजी हम चीजी गाएंगे देखा अरे तो हम ही तो जा रहे हैं हमें तो छोड़ना है चलो भाई चल ओ गाड़ी चला के लेके जाएगा वो चलो भाई भाई हमें पहुंचा देगा ले लो चलो। हाँ दीदी अब आप भी आना दीपांशु ने कहा ऐसे तो लेके आऊंगा नहीं हमने कहा तू हमें ले चल फिर लेके आई हो आपके मम्मी को जरूर लेके आई ना ना तो फिर तुझे बता देंगे दीपांशु के घर से निकल चुके थे बट ना दीपांशु के पापा यहाँ अपने ऑफिस पे आ गए थे तो उन्होंने कहा था ऑफिस में मुझसे मिलते हुए जाना ऐसे मत चले जाना अंकल को काम था तो अंकल यहाँ गए थे तो अभी हम आए यहाँ पे अंकल के पास। तुम थकी नहीं रहे खा खा के क्या बात है अंकल के साथ ये प्रेस का नंबर आगा हमारी का हां एड्रेस वगैरह पूरा होता है। अच्छा गाइस हम अभी आए थे हां मेरा नाम वाला तो दिखा पहले भाई आए अंकल हैं दीपांशु दीपांशु का भी नाम आता है इसमें। हां दीपांशु पहले ऐसे दिखा अंकल के हां हमारे अंकल जी हैं गाइस ये दीपांशु के पापा हैं और अभी हम आए थे ऑफिस दीपांशु के दीपांशु में लेके आए थे अंकल से मिलवाने के लिए तो गाइस दीपांशु तो बताता नहीं है कभी अभी अंकल ने बताया हमें। गाइस ये मीडिया सार जो है ये न्यूज़पेपर का यूपी का ये अंकल के अंडर ही आता है तो अंकल मैनेज करते हैं इसी को पूरा संपादक है इसको। हाँ संपादक अंकल है कुछ देख यहाँ पे ये कर दे गाइस आपके देख लेंगे जो इधर वाले फैन है भाई वो तो मीडिया सार को पूरा वो देना ही देना अपना है ना पेपर्स तो सभी के घर पे आते ही हैं। हाँ लेकिन कई होती हैं प्रिपरेशन तो उसमें आप लोग देखना और गाइस तो ये वाले मतलब जो भी मीडिया सार मतलब अखबारों के सबके अलग अलग नाम होते हैं तो मीडिया सार से जितने भी आएंगे गाइस सारी खबरें ये इसमें अंकल ने पत्रकार रख रखे हैं वो लाते हैं अंकल के लिए अंकल का फिर काम है उन्हें देख के अच्छे से सोच समझ के लगवाना और दीपांशु और अंकल मिल के गाइस यही काम करते हैं देखते हैं समझ के। सही है गाइस हाँ दिखाई दीपांशु ने अभी कह रहा हूँ बेकरी जा तक नजर जा रही है दुकानें सारी मेरी है मैंने कहा तो कर काम अपने
गाइस ये बाहर बैठे हैं और सारे घर पर, और घर पे आए हमें भूख लग रही थी तो हम आ गए गाइस सम्राट खाना खाने। तो पहली बार आया ना दुकान पे सम्राट, हमने कहा हम तुझे भी टेस्ट कराते हैं हमारे सम्राट का खाना, तू भी हमारे साथ चल। तो हम सारे सम्राट आ गए एंड गाइस हम गली से निकले ही थे, प्रेरणा एंड जीजू भी ना आ रहे थे घर गाड़ी ले गई, तो हमने उन्हें बोला गाड़ी का यू टर्न ले लो और उन्हें भी यू टर्न लेके अपने साथ लेकर आ गए। तो वो लोग अभी पहुंचे नहीं है, हम लोग पहुंच गए हैं, ये रहे दोनों, हम लोग पहुंच गए, चलते हैं अंदर खाना पीना ऑर्डर करते हैं क्योंकि भूख लगी थी। तो हमने कहा चलो खाएंगे पियेंगे एंड हमें तो पसंद है ही, हमने कहा तुम भी आ दीपांशु तू भी ट्राई कर। तो हम आ गए यहाँ पे, चलो चलते, टेबल खाली हो रहा है तब तक हम यहाँ आ गए एंड ना अभी मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ है सम्राट में, तो अभी सब आ रहे हैं, नहीं जोमेटो नहीं खाना। तो जीजू एंड प्रेरणा हमें रस्ते में मिल गए थे तो ये भी हमारे साथ आ गए एंड ये रहे सब लोग। हाँ नहीं बाबू सब सम्राट में, नोना आपकी टांड हटाओगे बेटू, नोना आपकी टांड ऐसे नहीं बोलो, नोना टकली गुन्नू कमी देखो इसको टकली मत बोल फिर सब बोलेंगे। अच्छा तमीज सी बोलो, अच्छी बोलो, अच्छी जगह चला तो तेरे बाल वाली हो गई मैं बच्ची को बोलो। हेलो सर वो बोल रहा हूं मेरा नाम क्यों ले रहा है। तो ये देखना आपको मेरे पैरों पे दिख रही होगी ये चोट एंड गाइस ये चोट मेरे इस नाखून से लगी है, मैंने ये नाखून देके मतलब मैंने पैर क्रिस क्रॉस करके बैठते हैं वैसे बैठी हुई थी मैं और एकदम मेरे पैर पे इतना बारीकी से हमला हो गया। कुछ भी नहीं लगता इसमें, बहुत लगता है बहुत। आज मेरे दोनों बच्चों के ऊपर ग्रह आ गया, मेरी बच्ची के पहले बड़ी के लग गई, सेम टाइम पे लगी है तुम्हारे, इतने बड़ी का खोपड़ा फटा इतने तेरे इस लगी है। मेरे बच्चों पे किसकी फिर कहेंगे, यूं कहती है आंटी मेरे बच्चों पे किसकी हाय पड़ गई एकदम लग गई दोनों बालकों पे। गाइस मेरे तो सच में बहुत दुख रहा है यार, ये मुझे तो थोड़ा सा तो लगता ही है मेरी मम्मी मतलब पैर ना मूव नहीं हो रहा है, जॉइंट हो जाता है ना। तू ज्यादा ध्यान मत दे, मेरे तो जरा सी भी लग जाए मेरा ध्यान तो पूरा जाता है आपको पता नहीं। हां रुको नोना, दोनों मम्मा को चोट लग गई नोना। अरे वो हाथ मोला खान लगी ये कालो, नो नो गाइस ये बहुत पेनफुल है यार, आज का दिन वैसे है। नहीं मम्मी मैं ना मतलब जैसे पैर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, बहुत दुख रहा है मेरा पैर। ऐसा करना ही क्यों है तुझे, जो चीज मेरे को नहीं करनी होती तो मेरे को वो चीज जान के करनी होती है, आपको नहीं पता क्या। आधी आधी रात को तुम लोग जो चोटे मार के बैठ जाते हो और डॉक्टर वगैरह ना मिले कुछ ना मिले फर्स्ट एड तो क्या होगा बताओ। मम्मी किस काम आएंगी ये देखिए सारी दवाइयाँ फेंक रही है नोने, क्या कर रहा है नोने बच्चा, वैसे ही खुली रखने में ही बेस्ट है। नहीं मम्मी मेरे मिट्टी लग जाती है नंगे पैर के, तू क्या घूमने जा रही है क्या सपनों में, मिट्टी लग जाएगी। मैं थोड़ी सी इसलिए कवर कर रही हूँ कि रात भर तेरे ट्यूब रुक जाएगी तेरा सुबह तक ठीक हो जाएगा ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा टाइट और वैसे नहीं करी सिर्फ थोड़ा सा रात भर रोकने के लिए कर रही हूँ ठीक है। रात को तू कहीं घूमने जा रही है क्या, मिट्टी लग जाएगी, उसको देख उसको देख दवाई देख 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 देखिए उसे देखिए क्या मासी मासी को दे मासी को लगी है ओए आई क्या हो गया सुबह पम्मी के हिप से ऊपर वाले हिस्से, मैंने बताया आप लोगों को अपने व्लॉग में और आपको वहाँ भी पता चला होगा, देखो क्या क्या कर रही है। फिर निशी को लग गई, अब इसको नोना तू ठीक रही है। अब गाइस इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। इस वाले व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हम सुबह से दीपांशु की फैमिली से मिले, बहुत ही अच्छे थे सब लोग, वहाँ पे भी बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया एंड अभी फिर हम आ गए थे घर, उसके बाद हम सम्राट पे गए सबने खाना खाया, उसके बाद हम घर आए, हम जीजू उन लोगों के साथ आ गए थे, दीपांशु वहीं से अपने घर निकल गया था, पुनीत भी अपने घर गया एंड मैं भी आ गई घर गई इस चोट के साथ। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। इस वाले को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू।